अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में सभी को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको इलम है कि हमने उर्दू में मकतूब निगारी यानी खतूत नवीसी का सिलसिला शुरू किया है। हमारे साथ आज जो ख़त है वो है दोस्त के नाम ख़त, सेहत अफजा मुकाम के बारे में तासुरात से आगाही, कमरा इम्तिहान, तारीख, प्यारे दोस्त मुदसर। अस्सलाम वालेकुम, आपका ख़त कल मौसूल हुआ और पढ़कर दिल को तसल्ली हुई कि आप सब खैर व आफियत के साथ है। मैं आपको सेहत अफजा मुकाम की सैर के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम चंद दोस्तों ने मिलजुल कर मार्च में इम्तिहानों के बाद मरी की सैर का प्रोग्राम बनाया। मरी क़याम के दौरान हमने मरी के शहरी इलाके के साथ साथ मरी के देही इलाकों की सैर की, जो खूबसूरती और दिलकशी में अपना जवाब आप है। इन दिनों मौसम खासा खुशगवार था और हम मरी की टंडी टंडी और सेहत अफजा आबो हवा से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुई। मरी बहुत सरसब्ज़ व शादाब जगह है, हर तरफ पहाड़ों की फलकबोस चूटियाँ नज़र आती है। पहाड़ियों पर बुलंदो बाला दरख्त आसमान से बातें करते नज़र आते हैं। बादल घर घर को आते हैं और मकानों की खिड़कियों और रोशनदानों में से होकर हर शय को नम आलूदा कर जाते हैं। पहले हल्की बूंदा बांदी हो जाती है और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बारिश का वो रंग डंग यानी मज़ा नहीं होता जो हम मैदानों में देखते हैं। यह तो बादलों के साथ आंख मचूली का वो मंज़र देखने में आता है जिससे सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है, उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। मरी में अगरचे जगह जगह यूथ हॉस्टल इन नौजवानों के लिए हॉस्टल बनी हुई है, मगर हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मरी में हमने अपने एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ रिहाइश रख ली थी। इस तरह से हमें अपने क़याम व तआम के सिलसिले में कोई परेशानी नहीं हुई। वही मेरा कज़न तनवीर मरी की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए मरी के सैर करते हुए हमें कोई दुश्वारी यानी मुश्किल पेश ना आई। इन सतूर यानी इन लकीरों के साथ इजाज़त, खालू जान और खाला जान की खिदमत में आदाब, नन्हे शाहिद को प्यार व सलाम आपका दोस्त जो नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे तसल्ली होना, इत्मीनान होना, खैर वाफियत यानी खैर के साथ होना, ठीक, सेहत अफजा सेहत को यानी सेहत अफजा मुकाम पुरसकून जो मुकाम होता है, ठीक है, और इसके अलावा मार्च करना यानी आगे बढ़ना, ठीक है, और इसके अलावा इलाके देही इलाके यानी देहाती इलाके जो होते हैं, खूबसूरती खूबसूरती दिलकशी एक ही मानी अपना जवाब आप, मतलब एक ख़ास मुकाम रखती है, ठीक है। अच्छा, खुशगवार यानी खुशगवार मौसम, ठीक है, सेहत अफजा ये तो वैसी आब व हवा, ठीक है, और इनके अलावा फलकबोस चूटिया, फलकबोस मतलब आसमान को चूनी वाली, ठीक है, बुलंद व बाला दरख्त नहीं ऊंची ऊंचे दरख्त, ठीक है। अच्छा, इसके मूसलाधार बारिश मतलब तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, रंग डंग का मतलब है मज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो मुश्किल अल्फाज है, क़याम व तआम यानी क़याम का एक जगह ठहरना, तआम खाने पीने का बंदोबस्त करना, ठीक है, तो यानी एक एक गोशे गोशे या एक एक चप्पे चप्पे से वाकिफ होना, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।